हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट टेक रितेश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जिप फाइल क्रिएट करना। बिना देर के वीडियो को शुरू करें। उससे पहले दोस्तों, अगर जो आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं दो तरीके बताऊंगा जिससे आप जिप फाइल अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में क्रिएट कर सकते हो। पहले तरीके में आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है और वहां से आपको इंटरनल स्टोरेज को चूज़ करना है। इंटरनल स्टोरेज को चूज़ करने के बाद यहां से आपको फ़ाइल चूज़ करना है। जैसे कि मैं ये फ़ाइल चूज़ करता हूँ, यहाँ से मैं इस फाइल को चूज़ किया हूँ जिसमें तीन डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला PDF है, दूसरा इमेज है JPG फॉर्मेट में, थर्ड है MP4 वीडियो। तो चलिए मैं एक साथ तीनों को ज़िप करके दिखलाता हूँ। तीनों फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, उसके ज़िप का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल रीनेम करना है, कोई नाम रखना है फाइल का। नाम रख चुका हूँ यहाँ, और क्रिएट जिप फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जिप फाइल क्रिएट हो चुका है, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। तो फर्स्ट तरीका मैं बता दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ही फाइल मैनेजर मिल जाएगा, जहाँ से आपको ऑप्शन में जाना है और क्रिएट करना है। इसके अलावा जो आपके मोबाइल में ज़िप का ऑप्शन ना हो तो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ। दूसरे तरीके में आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको ज़िप फाइल क्रिएटर सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस वाले ऐप को इंस्टॉल करना है, इजी ज़िप अनज़िप फाइल मैनेजर, इसे इंस्टॉल करना है। और इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से, ऑल फाइल फॉर्मेट का। तो स्टोरेज फाइल्स में जाना है आपको, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप होने की वजह से कुछ ऐड आएंगे, इसे कट कर देना है। तो यहाँ से आपको चूज़ करना है फोल्डर को। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को चूज़ करता हूँ। आप तो पहले की तरह आपको यहाँ तीनों फॉर्मेट में फ़ाइल मिल जाएगा। अब इन्हें एक साथ सेलेक्ट करना है और नीचे दिए हुए प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको कंप्रेस फाइल ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपको ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा, कंप्रेस फाइल इन जिप, कंप्रेस फाइल इन 7-ज़िप। तो यहाँ आपको कंप्रेस फाइल इन जिप के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपने फाइल का नेम टाइप करना है, उसके बाद ओके कर लेना है। यहाँ पर आपको सक्सेसफुली जिप्ड हो चुका है फाइल, कंप्रेस फाइल में आपको सारे फाइल दिख जाएंगे जिसे आप जिप किए हो। इस तरीके से आप किसी भी फाइल को इजीली जिप कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो आपको किसी भी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, अनजिप कैसे करना है जानना है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।